हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के डॉटनेट कोर के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ जी, एक बटन पर क्लिक करो और मुझे क्या करे जी, कुछ डेटा डेटाबेस से उठाए और पीडीएफ फाइल हमको जनरेट करके दे दे। बेसिकली जे इस वीडियो लेक्चर में आज हम ये देखने वाले हैं जी, सी शार्प का यूज करके हम पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं, मतलब पीडीएफ फाइल कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पीडीएफ फाइल आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक पैकेज ऐड करना होगा। उसके लिए आपको टूल्स में जाना होगा और यहाँ से नूगेट पैकेज मैनेजर में जाना होगा और देन यहाँ से आपको कहाँ जाना है, नूगेट पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन के अंदर। और इसके बाद आप यहाँ से जाओगे ब्राउज पर और यहाँ से आप क्या सर्च करोगे, आई टेक्स्ट शार्प। जब आई टेक शार्प आप सर्च करोगे तो आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और आप इस आई टेक शार्प को क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अब जैसे आप सेलेक्ट करोगे, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करोगे, आपके इंस्टॉल्ड वाले लिस्ट में आपको यहाँ दिखा देगा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर पैकेज के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर और यहाँ पैकेज के अंदर और यहाँ आप देखोगे आई टेक शार्प आपका इंस्टॉल है, मतलब अभी तक हमने चार पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं। अगर यहाँ भी आप डबल क्लिक करोगे प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर तो यहाँ पर भी आपको दिखा देगा ये चीज़। जब इंक्लूड हो जाएगा पैकेज तो आपको यहाँ पर दिखा देता है जब कौन कौन से पैकेजेस यूज किए हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, एक हम बनाता हूँ मेथड। तो एक मैं मेथड यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नाम को बेसिकली टाइप करने से अच्छा है। मैं यहाँ नीचे में यहाँ पर मैं इसको पेस्ट किया और इसको मैं इन सब को मैं हटा देता हूँ, ये रिटर्न व्यू मॉडल भी अभी हटा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको आई एक्शन रिजल्ट को क्या बनाता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड। ठीक है, अब क्या होना चाहिए जी, ये मेथड मेरा, जैसे जी अगर मैं बात करूँ जी, हमारा होम कंट्रोलर के ऊपर आता हूँ, होम कंट्रोलर के ऊपर ही हूँ मैं और यहाँ से मैं जाता हूँ होम के इंडेक्स के ऊपर, होम के इंडेक्स के ऊपर व्यू के अंदर, और मैं चाह रहा हूँ जी यहाँ पर एक बटन लगाऊँ। यहाँ नीचे में मैं क्या करता हूँ, एक बटन लगा देता हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, बी आर, बी आर क्या होता है, ब्रेक होता है, नीचे लाइन ब्रेक में करता हूँ और यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ, ASP4, किसके लिए, ASP एक्शन और ASP कंट्रोलर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और देन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इस बटन को जब मैं क्लोज करूँगा तो यहाँ पर PDF डाउनलोड का मैं ये दे देता हूँ और इसमें ASP एक्शन मेरा क्या होगा, PDF डाउनलोड होगा, यही एक्शन हमने बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। और कौन से कंट्रोलर के ऊपर है अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पर, यह हमारा कौन से कंट्रोलर के ऊपर है, होम कंट्रोलर के ऊपर, तो मैं इस होम को भी उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ, ASP कंट्रोलर। यहाँ तक तो हमारा हो गया जो हमने बटन से इस एक्शन को लिंक कर दिया और ये एक्शन क्या है, HTTP हमारा गेट टाइप का है। ठीक है, ये हमारा किस टाइप का है, HTTP गेट टाइप का है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप में। हमने क्या किया, जब पैकेज इंक्लूड कर लिया है, अब मैं इसमें मैं क्या करता हूँ, पैकेज इंक्लूड करने के बाद अब मैं यहाँ से बाइट लिखता हूँ, बाइट, बाइट में ही डेटा मुझे मिलेगा पीडीएफ का, तो बाइट, बाइट के साथ हम ये वाला ब्रैकेट डालते हैं और देन डेटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, डेटा इज इक्वल टू, अगर ये डाटा के अंदर डेटा आ रहा है तो मैं एक नीचे फंक्शन बना देता हूँ जनरेट पीडीएफ से, जनरेट पीडीएफ, और इस फंक्शन को मैं यूज करूंगा कहाँ पे, ये जनरेट पीडीएफ मेरा हो गया। अब
ये बाइट में जो डेटा आ रहा है इसको मैं क्या करूंगा, अभी पहले इसको फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, नहीं तो ये एरर मुझे दे रहा है। यहाँ पर आता हूँ, पब्लिक बाइट, बाइट के साथ कभी भी ब्रैकेट लगाते हैं, और देन मैं इस फंक्शन का नाम देता हूँ ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। अब ये मेरा क्या हुआ जी, यहाँ से जो डेटा बनाऊंगा मेमोरी स्ट्रीम के थ्रू, ये डेटा मुझे कहाँ मिलेगा, इस डेटा के अंदर मिलेगा। अब मैं एक फाइल का नाम डिफाइन कर लेता हूँ नॉर्मल सा, जो पीडीएफ मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा, या तो फाइल का नाम रिटर्न कर लूँ, और नहीं तो मैं एक काम करता हूँ इसमें सीधा रिटर्न, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, फाइल क्या रिटर्न करते हैं, फाइल रिटर्न करते हैं, ध्यान रखिएगा। फाइल में किस टाइप की फाइल रिटर्न करनी है आपको, फाइल डाटा क्या है, तो डेटा में मुझे क्या मिल रहा है, पीडीएफ का डाटा मिल रहा है जो हमको, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो हमको क्या चीज है यहाँ पर, फाइल कंटेंट्स, कंटेंट टाइप क्या है, यहाँ से ये कंटेंट टाइप आपको दिखा रहा है यहाँ पर। तो कंटेंट टाइप पीडीएफ का क्या होता है, अगर डबल कोट के अंदर क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन स्लैश PDF, ठीक है। हम ये लिखते हैं कंटेंट टाइप इसका पीडीएफ का, और देन हम क्या करेंगे कोमा, और इसके बाद क्या करेगा कह रहा, फाइल का नेम हम इसके बाद डालेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं आप फाइल का नेम मैं डाल देता हूँ quiz2day.pdf, ठीक है। ये मैं क्या किया, फाइल का नाम डाल दिया, तो क्या करेगा हमको पीडीएफ रिटर्न करेगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा क्योंकि इसके पास डेटा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पर iText7 को मैं यहाँ डिफाइन करूँ, iText sharp, और iText sharp.text.document, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, DOC ले लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू iText sharp, iText sharp डॉट टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने क्या किया, iText sharp का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, पेज के साइज को डिफाइन करूंगा, जो कौन से पेज का साइज हमारा यहाँ पर होगा, मतलब पीडीएफ का जो हम बना रहे हैं उसके पेज के साइज को मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा। तो पेज के साइज को डिफाइन करने के लिए iText sharp.text.page size. अब यहाँ पर जितने भी हमारे पेज साइज होते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आपको मैं से कौन सा लेना है, A4 पे लेना है, तो मैं यहाँ पर A4 डालूंगा, और देन मैं क्या करता हूँ, A4 डालने के बाद कोमा लगाऊंगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मार्जिन कितनी देनी है, आप यहाँ देखोगे जब कोमा लगाने के बाद, तो मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आपको कितने मार्जिन देने हैं चारों तरफ से वो आप डिफाइन करोगे। तो मैं यहाँ 50 50, मैं क्या किया चारों तरफ से यहाँ 50 50 मार्जिन दे दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया यहाँ पर पेज को डिफाइन कर लिया, जो पेज का हमारा साइज क्या होगा, और जो मेरा पेज का साइज होगा उसके चारों साइड से कितने कितने मार्जिन छोड़ने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक मेमोरी स्ट्रीम मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पर, तो मेमोरी मेमोरी स्ट्रीम, और इस मेमोरी स्ट्रीम में मैं क्या करता हूँ, स्ट्रीम मेमोरी स्ट्रीम इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम, और ये तो हमारा क्या हुआ, मेमोरी स्ट्रीम हमने डिफाइन कर लिया। अब इसको मुझे क्या करना है, पीडीएफ राइटर के थ्रू इसको एनालाइज करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पीडीएफ राइटर राइटर इक्वल टू पीडीएफ राइटर डॉट गेट इंस्टेंस, और गेट इंस्टेंस में मैं क्या सप्लाई करूंगा, डॉक
और इस मेमोरी स्ट्रीम। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, राइटर इनिशियलाइज हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा, डॉक डॉट ओपन। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, हमारा नेक्स्ट इसमें क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा। अब डॉक्यूमेंट जब ओपन हो गया तो डॉक्यूमेंट ओपन होगा और देन मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल टेक्स्ट पहले प्रिंट करके देखता हूँ। तो नॉर्मल टेक्स्ट आपको प्रिंट करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर पीडीएफ सेल ले लेता हूँ। पीडीएफ सेल से पहले एक क्या करता हूँ, टेबल डिफाइन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास कुछ कोड पड़े हुए हैं, उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने पीडीएफ पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया और यहाँ से मैं सेल को लिया और यहाँ तक की वैल्यू को कॉपी कर यहाँ से आया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो मैं इसमें किया गया हूँ। के बाद एक चीज और इसमें ले लेता हूं मैं, यहां से अब इसमें मैं क्या किया हूं, जब डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया इसके बाद मैं क्या किया हूं, फॉन्ट डिफाइन किया हूं। बेसिकली जो हमारे पीडीएफ के जो फॉन्ट्स होते हैं उनके साइज क्या होंगे, फॉन्ट क्या होगा, किस टाइप के कलर होंगे, इन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल लिया हूं, टाइटल फॉन्ट, फॉन्ट फैक्ट्री, गेट फॉन्ट, कैले फॉन्ट का नाम, साइज, फॉन्ट टाइप क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बेस डॉट कलर ब्लैक, आप यहाँ चाहो तो रेड भी कर सकते हो, मतलब आप यहाँ से इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। उसी तरह बॉडी फॉन्ट क्या होना चाहिए, कैले भी होना चाहिए, आप यहाँ से बॉडी फॉन्ट को अलग कर सकते हो, फिर फॉन्ट डॉट नॉर्मल, बेस डॉट ग्रे, बेसिकली आपके बॉडी फॉन्ट क्या होना चाहिए। अगर लिंक देना है, जैसे पीडीएफ में लिंक होता है बटन क्लिक पर, मुझे दूसरे पे हाइपर लिंक, तो उसके क्या साइज और उसके क्या ये होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को मैंने डिफाइन यहाँ कर लिया है। इसके बाद एक पीडीएफ टेबल लिया हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ मैं पीडीएफ के अंदर, और ये पीडीएफ टेबल का नाम दिया हूँ माई टेबल, और इसमें मैंने क्या किया है, दो कॉलम रखा हूँ। रो तो आप कितना भी ले सकते हो, कॉलम यहाँ आपको डिफाइन करना हो, इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट 100 होनी चाहिए, 100%, और विड्थ क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और विड्थ अगर सेट करें तो हमने जो ये जो सेल लिया है दो, इसको 4-4 में डिवाइड कर दिया है बेसिकली। और माई बेसिकली बॉर्डर क्या होना चाहिए, अभी नो बॉर्डर होना चाहिए, चाहो तो आप यहाँ से रेक्टेंगल बॉर्डर भी डाल सकते हो। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर पीडीएफ सेल लिया हूँ, सेल एक इसी बनाया हूँ, न्यू पीडीएफ इसका ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, और देन मैं क्या कर रहा हूँ, सेल डॉट न्यू पीडीएफ सेल, जो सेल बना रहा हूँ उसके परहेप्स में क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पर क्विज टूडे, और ये यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, टाइटल फॉन्ट। अब बॉर्डर की बात करें तो हमको बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं अगर बॉर्डर चाहिए तो टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, या आप यहाँ से इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि सेल डॉट बॉर्डर, रेक्टेंगुलर डॉट टॉप, रेक्टेंगुलर डॉट, बेसिकली आपको हर, अगर आपको चारों तरफ से बॉर्डर देने हैं तो चारों साइड आपको डिफाइन करने होंगे, टॉप यहाँ, राइट, बॉटम और लेफ्ट मैंने डिफाइन कर रखा हूँ। अब सेल में जो कंटेंट आएगा उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, तब पीडीएफ डॉट सेल डॉट अलाइनमेंट सेंटर। अब भी मैंने क्या किया, यहाँ पर दो कॉलम लिया हूँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों कॉलम को मर्ज कर रहा हूँ, कॉलम इसमें लगाया, उसके बाद बैकग्राउंड कलर डाला। आप चाहो तो यहाँ पर भी आप बेस डॉट कलर के थ्रू आप यहाँ से रेड, ग्रीन, ब्लू भी डाल सकते हो। जैसे जो मैं यहाँ पर अभी नॉर्मल कलर डाला हूँ, मैं इसको मैं हटाता हूँ और मैं यहाँ पर बेस कलर डॉट, अगर मैं कहूँ यहाँ पर अभी यही रंग देता हूँ मैं आरजीबी मोड में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी तरह से पेडिंग कितना डालना है सेल के अंदर, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो माई टेबल डिफाइन किया था इसमें मैं इस सेल को ऐड किया, माई टेबल डॉट ऐड सेल और डॉक्यूमेंट डॉट माई टेबल में ऐड किया। और देन हम यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, मेमोरी स्ट्रीम को, यहाँ जो ये मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था मैं, इसको मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा टू एरे के फॉर्म में। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूँ इस प्रोजेक्ट को, देखता हूँ मेरा पीडीएफ अभी जनरेट हो रहा है कि नहीं। इस प्रोजेक्ट को मैंने रन किया और हम चेक करते हैं जी पीडीएफ मेरा जनरेट हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ से इसको रन किया हूँ, रन करने के बाद मेरा प्रोजेक्ट पेज कुछ इस तरह से लोड हुआ। अब बात करूँ, यहाँ से मैंने बटन बनाया था ये पीडीएफ डाउनलोड का, अगर यहाँ मैं अगर ब्रेक लगा दूँ
यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, यहाँ आ रहा है इधर। अब मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक किया, मेरा यहाँ सीधा पहुँच गया। देखोगे आप यहाँ से जनरेट पीडीएफ के अंदर आया, और यहाँ से आप F11 करके चलाओ, ये देखो चला मेरे पास, ये सब कुछ इनिशियलाइज हो गया, पीडीएफ टेबल इनिशियलाइज हो गया। और इसके अंदर क्या हुआ, हमारा सेल के अंदर हमारा ये टाइटल ऐड हुआ, देन हमारा ये, इसके बाद सेल मर्ज हुआ, माई टेबल के अंदर गया, यहाँ से मेमोरी स्ट्रीम को रिटर्न किया। अगर मैं F5 करूँ तो यहाँ आप देखोगे, अगर कंट्रोल जे करूँ तो एक PDF आपकी यहाँ जनरेट होकर आ गई क्यू स्टूडियो के साथ में ही। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, PDF को बनाते हैं। अब इस सेल को डिज़ाइन करना है तो आपके ऊपर है, आप जैसे भी डिज़ाइन करो, इसमें जो भी कंटेंट डालना है, अगर इसमें और भी सेल ऐड करना है तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ से आपकी पार मैं क्या करता हूँ, ये कॉल स्पेन को हटा देता हूँ, और इसमें मैं एक सेल और डाल देता हूँ यहाँ से, इसी तरह से यहाँ पर। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो अभी क्या करेगा, ये कॉल स्पेन मैंने हटा दिया है, तो हमको दो कॉलम्स में बेसिकली ऊपर वाले सेल के नीचे दो सेल और जनरेट करके दे देगा। मैं यहाँ से PDF पर डाउनलोड पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं F5 करता हूँ। F5 करने के बाद अगर इस PDF को मैं खोलूँ तो देखो आपको बन गया इस तरह से। अगर इस तरह से आप क्या करोगे, सेल को अपने आप डिफाइन करोगे यहाँ से, और यहाँ पर मैं आप क्या करोगे, फॉन्ट के साइज को भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे बॉडी फॉन्ट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर बॉडी फॉन्ट डाल देता हूँ। उसी तरह से अगर आपको इमेज भी अगर इस PDF के अंदर लोड करना है तो इमेज के लिए भी हमारे पास जो होता है इसमें पर, इसमें मुझे इमेज ऐड करना है तो इमेज के लिए हमारे पास क्या होता है, इमेज, इमेज का नाम itexart.txt.image.getinstantconvert.psd, इसमें आपको क्या करना है, इमेज का पूरा पाथ देना है, क्या देना है, इमेज का पूरा पाथ देना है। और देन आप क्या करोगे, ये लोगो 1.scale, स्केल बेसिकली 100 100 रखा हूँ मैं, इसको अभी कर देता हूँ 200। बेसिकली हम यहाँ से साइज डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके स्केलिंग के लिए। फिर अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर राइट से अभी मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर अलाइन, अलाइन सेंटर, ठीक है। इसके बाद आप चाहो PDF सेल तो कर दो न्यू पेजेस, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे, बॉर्डर आपको देना है तो बॉर्डर दे सकते हो, इसमें मैं क्या करता हूँ बॉर्डर हटा देता हूँ। कॉलम स्पेन दो होना चाहिए क्योंकि हमारा इसमें मैं ये बेसिकली हमारा क्या हुआ जी, यहाँ पर अगर बात करें तो ये कॉलम स्पेन दो के लिए था मेरा, ये मैंने क्या किया, दो कॉलम यहाँ बना लिया इतने में। और अब इमेज भी मैं चाह रहा हूँ दोनों कॉलम मर्ज हो गया था, कॉलम स्पेन टू, पेज हेडिंग बॉटम से मैं 20 डाल दिया हूँ, और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट अलाइन सेंटर, और वर्टिकल अलाइन सेंटर। अलाइनमेंट क्या करूँ, ऐड एलिमेंट में क्या किया, इस लोगों को जो बनाया हूँ यहाँ इमेज, इसको मैं ऐड किया और फिर अपने टेबल के अंदर ऐड कर दिया। अगर चेक करना है जो इमेज अब इस पाथ पर क्या है, जो मेरे www रूट के अंदर इमेजेस पड़े हुए हैं, अगर मैं दिखा दूँ, ये देखिए आप, यहाँ से इमेज को पिक करेगा और ये क्या करेगा, PDF में ऐड कर देगा। तो इस तरह से हम PDF को अपने इमेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँ, अगर मैं F5 करूँ तो ये मुझे क्या हुआ, यहाँ पर PDF डाउनलोड करके दे दिया। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखोगे आप, यहाँ पर हमको इमेज भी लगा के दे दिया। तो इस तरह से हम PDF जनरेट करते हैं .NET Core के अंदर।